केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है मुझे लगता है वो देख लें, अगर ऐसा है तो उनका कहना है कि आपकी सरकार संरक्षण दे रही है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता किसी को कोई संरक्षण दे रहा है, गलत तो किसी को कोई संरक्षण निकाल कर बता रहे हैं कि पहले 36% था, 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि सेंसस कराए, दूध का दूध और पानी का पानी। उनका कहना है जितना भी रोजगार आप लोग दिए हैं सब बाहरी लोग हैं, उन्होंने अंदरी लोगों को दिया था, उन्होंने जो नियम कानून है उसी के थ्रू रोजगार मिल रहा है ना सबको, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको किया जाएगा, लेकिन क्या उन लोगों ने जो है अंदरी लोगों को दिया था? मुझे याद है कि मेरे सामने एक वाकया हुआ था जहां लोबिन हेमरम जी ऐसी चिट्ठियां लेकर आए थे विधानसभा से, जहां जो है बाहर के प्रदेश के लोगों को जानबूझकर दिया गया जबकि वो कोटा हमारे झारखंड के लोगों का था, तो उसको हमारी सरकार ने निरस्त किया। मैम तो इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना? नहीं, जस्टिफाई, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, प्लीज आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वो करें तो वो सही है, अगर यहाँ पर नियम कानून के तहत हो रहा है तो जो नियम कानून उनके लिए लागू हुआ था वो ना कानून तो हमारे लिए भी लागू है ना, अलग तो नहीं है कोई भी चीज। बालू का मुद्दा रह गया या फिर बिल्कुल रह गया, आई एक्सेप्ट, क्या लगता है इसमें कि सरकार को पहल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए थी, इसके लिए जो है लगातार कांग्रेस और विधायक हम जितने थे हमने बहुत इसके लिए आवाज उठाई और कहा कि जिन चीजों की वजह से लगातार झारखंड में एक गतिरोध की स्थिति बनी रहती है चाहे विधानसभा हो, आपको ऐसे इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत कम समय मिला इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का। 2 साल कोविड में थे जहां हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद जो 2 साल मिला उसमें कितने इश्यूज सॉर्ट हुए कितने नहीं हुए, बहुत सारा काम हमने करने का प्रयास किया जिसमें सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो यहां के लोगों का एक था उस वो एक जो है मेजर मुद्दा था हमारे लिए, वो हमने करने का प्रयास किया। मुझे लगता है 2 साल बहुत कम होता है किसी भी सरकार के लिए और समय मिलना चाहिए। हमारी माताओं को जो सही में राशि मिलनी चाहिए और ये स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार नींद बेच करके, बीजेपी का रुख क्या रहेगा सदन में? ये सरकार इतनी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, और इस प्रकार के कारनामे तो आए दिन आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्रश्न हमने फर्स्ट में 2020 में डाला था उसका भी जवाब आज तक हमको नहीं मिला है। ये सारे प्रश्नों का हम बंच लेकर के आए हैं और इस विधानसभा में आखिरी बार पूछेंगे सरकार से कि अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो फिर कुर्सी खाली करें। इस बार मॉनसून झारखंड में बेहतर ही रहा है, आपके क्षेत्र में कैसा और सदन में इसको बाद उठाएंगे? किसानों की बहुत परेशानी आ रही है। देखिए, किसान बहुत प्रभावित हैं, मॉनसून नहीं है इस बार, और कोडरमा ऐसा है वहाँ पर तो सूखा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो खेत में पानी ही नहीं है, किसान आज परेशान हो गए हैं। इसलिए पिछले बार भी हमने कहा था कि एक बार निरीक्षण होना चाहिए और सुखाड़ क्षेत्र घोषित होकर के, इस बार भी बारिश बहुत धोखा दिया है तो किसानों के जो है उनकी समस्या को देखते हुए सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके उनको त्वरित लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि आज हमारे किसान अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। और हमने अपने विधायक फंड से काफ़ी कोशिश की है, हमारे अन्नदाताओं के लिए हमने जो काम किया है कि उनको डीप बोरिंग दे करके उनको पानी की सुविधा देने का काम किया है, कृषि क्षेत्र के लिए जो कई गोतियाँ मिल करके एक साथ कई एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं और अन्न उपजा रहे हैं। तो सरकार को इस प्रकार की योजना पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसून पर अगर हम निर्भर रह जाते हैं तो फिर हम किसानों की मदद नहीं कर पाते। सरकार कुछ बोल सकती है? नहीं, एक सांसद का इस तरह का कोई सांसद कोई बयान आएगा तो उस पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं ना है, आदमी हर सवाल का उत्तर दे दे, जितना आवश्यक नहीं है जिसकी जानकारी नहीं है उसका क्या उत्तर दे। अब हम कुछ नहीं जानते हैं, इसकान दुबे से हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, वो बताएंगे। बन्ना गुप्ता पर मैंने आरोप लगाया है, बन्ना गुप्ता तिकड़मबाज हैं, बदमाश हैं और तथ्य को तोड़ते मरोड़ते हैं, फाइल पर जो लिखा हुआ है उसको सादगी कर दें पता चल जाएगा। नहीं मान के सरकार का ये आखिरी सत्र है सेशन का, सरकार के कामों को आप किस तरह से आकलन करते हैं? सरकार का काम औसत दर्जे का है, कई क्षेत्र में औसत दर्जे से भी नीचे का है, एकाध काम अच्छे हुए हैं, वृद्धा विधवावस्था पेंशन देने का और महिलाओं के लिए 20 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए 1,000 रुपया पेंशन देने का, ये सराहनीय काम है। अच्छा सर, कल लोकसभा में जो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि बिहार झारखंड और बंगाल के कुछ जगहों को मिला करके इंसान नहीं कर सकते हैं, हमारी इतनी संविधान की जानकारी भी नहीं है, जो कह रहे हैं उनको और स्पष्ट करना चाहिए इस विषय में।
अभी आदिवासी अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं, रास्ते भर वो पोस्टर लगा के करे कि जमीन माफियाओं का नजर पड़ रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। अभी तो सरकार को बयान देना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए विधानसभा में।